साथियों, आप लोगों को याद होगा 6 अक्टूबर को हमने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 1,00,000 लोगों का मोर्चा लेकर जाने का ऐलान किया था। मेरी जानकारी में हमारे संगठन के 1.5 लाख से ज़्यादा लोग नागपुर में पहुंच गए और वो लोग अलग अलग जगह पर, सारे नागपुर में अलग अलग जगह पर रुके हुए हैं, अलग अलग स्थानों पर रुके हुए हैं और बेजनबाग ग्राउंड पर उनको इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। ये जानकारी पहले से कार्यकर्ताओं को दी गई थी। अब मैं उस संदर्भ में कुछ खास बातें आप लोगों को कहना चाहता हूं। आप लोगों को ये जानकारी भी मिल गई होगी कि नागपुर हाईकोर्ट के द्वारा हमारे मोर्चा का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की और कार्यक्रम करने की अनुमति को हाईकोर्ट ने देने से मना कर दिया और ये न्यायपालिका के द्वारा, न्यायपालिका को धमकी देकर ऐसा करवाया गया। उसकी सारी गवाही वकीलों के पास है और वकीलों ने इस सारी जानकारी को संगठन को देने का प्रयास किया है। संगठन के पास इसकी जानकारी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं और आज सवेरे उसकी सुनवाई होने की संभावना है। ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद हम लोग आंदोलन की रूपरेखा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत घोषित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश रहेगा, उस आदेश के फ्रेमवर्क में जब हमारी कार्य प्रणाली है, कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने की जो हमारी कार्य प्रणाली है, हम उसका उल्लंघन ना करते हुए हम अपनी कार्य नीति पर अमल करने का काम करेंगे। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, जो मोर्चा आरएसएस के हेडक्वार्टर पर ले जाने की हमारी मूल योजना है, उस पर अमल करने का तौर तरीका आपको बताया जाएगा। इसके लिए जैसे हमने पूर्व में निर्धारित था कि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम वहां पर इकट्ठा होने के लिए कार्यक्रम रखा था और वो इकट्ठा होने के बाद वहां से हम लोग चरणबद्ध तरीके से वहां से वो मोर्चा निकालने वाले थे। अब ये जो मोर्चा है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक जो है वो अभी हम उसकी वेट कर रहे हैं, राख देख रहे हैं, उसके दायरे में हम इसका फाइनल फैसला जो है आपको घोषित करेंगे, जानकारी देंगे। मगर जो हाईकोर्ट का दिया हुआ फैसला है, उसके दायरे में जो षड्यंत्र किया गया आर्टिकल 19 में जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको रोकने के लिए जो षड्यंत्र किया गया, न्यायपालिका को हमारे फेवर में निर्णय देने से रोकने के लिए जो षड्यंत्र किया गया, उस षड्यंत्र को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है अपना कार्यक्रम लेने की योजना बना रहे हैं। तो आरएसएस की योजना क्या है? आरएसएस की योजना यह है कि आरएसएस एक राष्ट्रव्यापी आतंकवादी संगठन है। बाजमेर बम ब्लास्ट में उनके कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ। इसका मतलब जो बात मैं कह रहा हूं, न्यायपालिका भी इस बात को मानती है और 18 केसेस सारे देश भर में उनके खिलाफ चल रहे हैं।
और एक केस आरएसएस पर ऐसी भी चल रही है जो देशद्रोह का मुकदमा एफआईआर दाखिल किया गया है, जो अपने आप को देशभक्त संगठन कहता है, वो संगठन ने अभी तक ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास नहीं किया है आरएसएस के सेंट्रल कमिटी में कि वो संविधान पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, बल्कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संविधान के विरोध में बोलते रहते हैं। इन सारी बातों को उनका प्रयास है राष्ट्रीय स्तर पर, उनका जो प्रयास, जो जानकारी हमारे पास आई हुई है, इस मोर्चे को रोकने की बात या तमाम प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में सारे देश भर में लोगों को जानकारी ना मिले, इसका जतन, इसकी कोशिश वो जो जिस लेवल पर कर रहे हैं उसके सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि इसके पीछे ये संगठन आतंकवादी है, ये असंगठन संविधान विरोधी है, और हिंदू मुसलमान के जिस थ्योरी पर भारत का 14 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ, वो दोबारा देश में ऐसे हालात उन्होंने पैदा कर दिए हैं, देश विभाजन के हालात उन्होंने पैदा कर दिए हैं। इसके विरोध में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब वो नागपुर की हमारी महारैली को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाने के लिए रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं, पुलिस का सहारा लेकर, कोर्ट का सहारा लेकर, धमकी का सहारा लेकर वो ऐसा प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो संगठन आतंकवादी है, संविधान विरोधी है और देश को तोड़ने के साजिश में शामिल है, ये जानकारी लोगों तक पहुंचनी नहीं चाहिए, ये जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसी उनकी रणनीति है। इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए हम हमारा आंदोलन पुनर्परिभाषित करते हैं। हमारा आंदोलन, हम लोग दोबारा दूसरे तरीके से, वो एक जगह हमारा मोर्चा लेकर जाने के लिए रोक लगा रहे हैं तो हम 674 जिलों में, 31 राज्यों में, 674 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में हमारा आंदोलन चार चरणों में घोषित करते हैं। पहला चरण 14 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन का होगा सारे देश भर के जिलों में, इतने सारे जिलों में। उसके बाद में 22 अक्टूबर को श्रृंखलाबद्ध उपवास का कार्यक्रम होगा, इसके विरोध में श्रृंखलाबद्ध, सारे देश भर में श्रृंखलाबद्ध उपवास का कार्यक्रम होगा। तीसरा कार्यक्रम है 29 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर को यह कार्यक्रम होगा प्रदर्शन रैलियों का सारे देश भर में, और 6 नवंबर को हमारा आंदोलन होगा, सारे देश भर में होगा, आरएसएस के विरोध में होगा जेल भरो आंदोलन। और इस जेल भरो आंदोलन में हम लोग एक महीने में 11 लाख लोगों को जेल में लेकर जाने का रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू करेंगे। ये अभियान आज से शुरू हो जाएगा, सारे देश भर से 11 लाख लोगों को आरएसएस के संविधान विरोध के लिए, आरएसएस आतंकवादी संगठन है, ये राष्ट्रव्यापी संगठन है और इसके संबंध में जो स्टेट लेवल के बड़े पुलिस ऑफिसर मुशरिफ साहब ने इसके बारे में वीडियो घोषित किया है, किताब घोषित किया है, किताब लिखा हुआ और सारे के सारे सबूत दिए हुए है, वो सारी बातें जो है सोशल मीडिया में आप लोगों को सारे सबूत जो है दिए जाएंगे, और उसके विरोध में 11 लाख लोगों को रजिस्टर किया जाएगा जेल भरो आंदोलन के लिए कि आरएसएस पर पाबंदी लगाई जाए, आतंकवादी संगठन के तौर पर यदि दूसरे संगठनों पर पाबंदी लगाई गई है तो ये आतंकवादी संगठन है,
और उस संबंध में उनके कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास हुआ है अजमेर बम ब्लास्ट में। और ये जितने भी बम ब्लास्ट 2000 और 2020 के बीच में हुए हैं उसमें आरएसएस के लोगों का ही हाथ है। इसके सारे के सारे सबूत जो है मुशरिफ साहब ने किताब में दिए हुए हैं और उसकी जांच चल रही है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चल रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी केंद्र सरकार को मांग है, सारे देश के राज्य सरकारों को मांग है कि ये इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बैन लगाया जाए। ये आतंकवादी संगठन है, इस पर बैन लगाए, ये देश विरोधी संगठन है, देश को विभाजन करने का हिंदू मुसलमान के नाम पर साजिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इन पर पाबंदी लगाने की मांग कर रहा हूं और इसके लिए 11 लाख लोगों को हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसकी तैयारी करने का आज मैं ऐलान करता हूं। ये 4 चरणों का हमारा कार्यक्रम रहेगा। ये कार्यक्रम नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जो मोर्चा हम लेकर जाने वाले थे जिसको हाईकोर्ट ने रोक लगाने का प्रयास किया, जिसके विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट हमको मोर्चा निकालने की अनुमति देती है तो ये मोर्चा भी निकाला जाएगा आने वाले समय में, मगर इसके पहले अभी आज से हम ये 4 चरणों का जो नागपुर के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने का कार्यक्रम है उससे कम से कम 25 गुना बड़ा कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, ये सारे देश भर के लोगों को, संगठन को, इस काम को जुटने के लिए मैं आह्वान करता हूं। पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी क्षमता के साथ इसमें सारे देश भर के लोगों को जुटना होगा। ये हमारे भविष्य के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये काम करना होगा और देशवासियों को भी मैं सारे देश के शेड्यूल कास्ट के लोगों को, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों को, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, नॉमिनिक ट्राइब के लोगों को और MBC के लोगों को, OBC के लोगों को और माइनॉरिटी के लोगों को, तमाम लोगों को इस आंदोलन में सारे देश भर में शरीक होने के लिए कह रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को आप लोगों को आह्वान करता हूं। धन्यवाद।